वन के लिए तैयार है, हमारा अधिकार दिया जाए। आदिवासियों के पुरखा देवता बाबा बच्छराज कुवनगढ़ आदिवासियों का पारंपरिक देवस्थल है, जहां पर आदिवासी लोग ही देवों की पूजा करते हैं। अभी वर्तमान में ब्राह्मण पुजारी वहां रखने का चल रहा है, जिसे हम लोग रोकना चाहते हैं। आने वाले समय में हम लोगों का अधिकार छीना जा रहा है, हम लोगों का पारंपरिक रीति रिवाज छीना जा रहा है। इसे बचाने के लिए हम सारे आदिवासी एक हैं और हम सभी अपने हक के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा जो बाबा बच्छराज कुवनगढ़ है, ऐतिहासिक हम लोगों का जीत हुआ था, जिसमें हाई कोर्ट और हमारे जो सिविल कोर्ट यहाँ एसडीएम साहब ऐतिहासिक फैसला सुनाए थे, हमारे संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, पांचवी अनुसूची पेशा को ध्यान में रखते हुए, कि यहाँ किसी भी प्रकार का ट्रस्टी जो समिति है, जो सरकार द्वारा जो ट्रस्ट बनाया जाता है वो नहीं होगा। हम किसी भी कीमत पे ट्रस्ट के माध्यम से हम अपने बाबा बच्छराज कुंवरगढ़ हो चाहे कुदरगढ़ हो, किसी भी गढ़ को हम चलने नहीं देंगे। हम अपना पारंपरिक गढ़ सभा बाबा बच्छराज कुंवरगढ़ के माध्यम से हम उसका संचालन करेंगे, ये हम लोग घोषणा किए थे। उसका खुला उल्लंघन किया जा रहा है वैदिक धर्म ग्रंथों के द्वारा, वहाँ रामायण पूजा करवाया जा रहा है बाबा बच्छराज कुंवरगढ़ में, उसको हम लोग रोकने के लिए यह कार्यक्रम आज यहाँ हमारे सगा समाज, सर्व आदिवासी समाज, पारंपरिक आदिवासी महासभा के द्वारा कार्यक्रम आयोजन किया हुआ था। साथ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग भी, हमारे साथी लोग जो है ना, सब शामिल हैं, पूरा गांव गांव के मातृशक्ति पितृशक्ति। मैं चाहता हूं कि हम लोग किसी भी कीमत पे बाबा बच्छराज कुंवरगढ़ धाम को, वहां की जो संस्कृति आदिवासी संस्कृति है, हम उसको नष्ट नहीं होने देंगे, हम धार्मिक अतिक्रमण नहीं होने देंगे। जो मनुवादी है, जो ब्राह्मणवादी है, हम उसको किसी भी कीमत पे वहाँ हम घुसने नहीं देंगे। हम अपनी धर्म संस्कृति, हमारे गढ़ सभा, गढ़ बाबा बच्छराज कुंवरगढ़ सर्वाधिवासी समाज जिला सरगुजा का जिला अध्यक्ष हूँ और आदिवासी महासभा का विधि सलाहकार हूँ और ट्राइबल एडवाइजरी जो काउंसिल है हम लोग का आदिवासी महासभा का, उसका मैं पूरा पूरा विधिक सेवा देता हूँ और साथ में अधिवक्ता भी हूँ। तो मैं शासन प्रशासन से ये मांग हम लोग रखे हैं कि संविधान का पूर्ण रूप से पालन हो, और क्योंकि आप संवैधानिक व्यक्ति हो, पांचवें अनुसूचित क्षेत्र में आने अनुसूचित जनजातियों को अपने रूढ़ी और परंपरा को संरक्षित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, और संवैधानिक व्यक्ति पद में बैठे हुए व्यक्तियों से हमें उनको अपने कर्तव्यों को अवगत कराए हैं कि भारत के जो संविधान के मूल कर्तव्य है जो 51(c) का और अनुच्छेद 21 का, हम अपनी विरासत को सुरक्षित करने के लिए हम आदिवासी समाज एकत्रित हुए हैं। ये भारत के संविधान का मूल भावना है, इसको यदि ठेस पहुंचाने के लिए प्रशासन यदि करती है तो भारत का संविधान का उल्लंघन है। ये हमारा उल्लंघन नहीं है, देश का अखंडता की बात है, देश को तोड़ने की बात है। तो शासन प्रशासन को संवैधानिक मूल्यों को अवगत कराने के लिए हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। इतना ही कहकर मैं मैं BPIM ब्लॉक अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज माधवनगर, जैसा कि पिछले कई महीनों से बसराज कुंवर को लेकर के काफ़ी विवाद की स्थिति निर्मित हुई है और वहां पे एक साल से ये कमेटी काम कर रही है। कमेटी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगा करके जो अन्य समाज के लोग हैं बेदखल करना चाहते हैं और वहां पे ट्रस्ट बनवाना चाहते हैं और समिति को भी चेंज करना चाहते हैं, तो इन सारे चीज़ों का विरोध करने के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ है, जिसमें हमारा पूरा पारंपरिक आदिवासी महासभा के लोग, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग और पूरा सर्व आदिवासी समाज और पूरा आदिवासी समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। और जो तात्कालिक जो मुख्य कारण है कि वहाँ पे 2 तारीख से लेकर के 2 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल तक जो वहाँ पे रामायण पूजा पाठ होना है, इसका विरोध करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे आज तक कभी भी रामायण आदि का पाठ कभी किया नहीं गया है और वहाँ रूढ़ी प्रथा के हिसाब से वहाँ पे हमारा बलि प्रथा चला आ रहा है और काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये बहुत दुखद है कि हमारे धार्मिक स्थलों में अगर इस प्रकार से दूसरे लोग अतिक्रमण करेंगे तो ऐसे में तुम्हारी संस्कृति लुप्त हो जाएगी, हमारी पहचान समाप्त हो जाएगी और जब हमारी पहचान समाप्त हो जाएगी तो हमारे सारे अधिकार छिन जाएंगे जो संवैधानिक अधिकार हैं। धार्मिक अतिक्रमण नहीं होने देंगे। जो मनुवादी है, जो ब्राह्मणवादी है, हम उसको किसी भी कीमत पे वहाँ हम घुसने नहीं देंगे। हम अपनी धर्म संस्कृति, हमारे गढ़ सभा गढ़ बाबा बच्छराज कुंवरगढ़ को संरक्षण देंगे। इसके लिए आज हम लोगों ने निर्णय लिया है, अब 1 तारीख को हमारी महासभा
फिर से बाबा बसराज कुंवरगढ़ में लगेगा, जिसके तहत हम लोग देखेंगे यहाँ के शासन प्रशासन को कि ये वहाँ से उनको हटाने के लिए उचित कानूनी कार्यवाही करते हैं या नहीं करते हैं, या आपस में हम लोगों को लड़ने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि ऐसा करते हैं तो हम यहाँ के शासन प्रशासन को चुनौती देंगे कि हम अब आप लोगों का सेवा लेना सेवा समाप्त करते हैं, सेवा लेना बंद करते हैं और हम अपना जो भी करेंगे पारंपरिक गढ़ सभा, पारंपरिक महासभा और पारंपरिक हमारे ग्राम सभा के माध्यम से ही हम हमारे समाज का संचालन करेंगे और बारह गांव का परगना न्याय सभा का भी संचालन करेंगे, गढ़ सभा का संचालन करेंगे, कोर्ट सभा का भी संचालन करेंगे, पर किसी भी कीमत पे हम मनुवादी ब्राह्मणवादी रामायण कथा हम वहाँ नहीं देंगे, नहीं होने देंगे। यदि ऐसा होता है तो हम यहाँ के शासन और प्रशासन को माफ नहीं करेंगे और जो उसमें अनहोनी घटना घटेगी चाहे कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार यहाँ के शासन और प्रशासन के लोग होंगे। ये हमारा खुला घोषणा है। हम बलरामपुर से शैलेंद्र कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट, इंदौर।